त्योहारों पर खाने के तेल और दालों की पहली महंगाई से सरकार एक्शन में आ गई है। महंगाई को काबू में करने के लिए सरकार कभी इंपोर्ट ड्यूटी घटाती तो कभी कुछ कमोडिटी के एक्सपोर्ट पर रोक लगाती है तो कभी स्टॉकिस्ट पर नजर तिरछी करती है और अब कमोडिटी में वायदा कारोबार पर बैन का सिलसिला शुरू हो गया है। अगस्त में चना वायदा पर बैन लगाया गया था और अब सरसों पर रोक लगा दी गई है। लेकिन इससे एक सवाल ये उठता है कि क्या कमोडिटीज पर बैन से महंगाई घट जाएगी? सरसों फ्यूचर्स पर सेबी ने रोक लगाई है। सेबी ने एक्सचेंज NCDX को आदेश दिया है कि अगले आदेश तक नए कॉन्ट्रैक्ट्स पर बैन लगाया गया है, जिसके बाद मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट में नया पोजीशन की मंजूरी नहीं है। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट से कारोबारी सिर्फ निकल सकते हैं। सेबी ने सरसों की बढ़ती कीमतों को देखते हुए यह फैसला लिया है। सरसों के स्टॉक में काफ़ी कमी देखी गई है। तंग सप्लाई से सरसों तेल के भाव में तेजी आई है। सरसों तेल का रिटेल भाव 180 रुपये प्रति लीटर पहुंचा है। 2020-21 में 85 लाख टन सरसों उत्पादन अनुमान है। वहीं चालू सीजन में अब तक करीब 70 लाख टन पैराई हुई है। वहीं किसानों के पास करीब करीब 14 से 15 लाख टन का स्टॉक सरसों का अभी बचा हुआ है। सेबी ने सरसों के वायदा पर रोक लगाई है। इससे पहले सेबी ने चना वायदा पर अगस्त में रोक लगाई थी। सेबी की और सरसों में वायदा कारोबार पर पहली बार रोक लगाई गई है। चना में 2008 और 2016 में भी रोक लगी थी। 2012 में ग्वार पर 14 महीने के लिए रोक लगाई गई थी, जबकि कैस्टर वायदा पर 2016 में 1 साल के लिए रोक लगाई गई थी। वहीं साल 2008 में सोया तेल में 6 महीने के लिए रोक लगाई गई थी और अब सेबी की ओर से सरसों में वायदा कारोबार पर पहली बार रोक लगा दी गई है। कब किस कम्युनिटी पर सेबी द्वारा वायदा बैन लगाया गया है, इस आंकड़े पर नजर डालें तो अक्टूबर 2021 में सरसों पर, वित्त वर्ष 2008-2016 और अगस्त 2021 में चने पर, कैस्टर पर साल 2016 में, वित्त वर्ष 2013 में काली मिर्च पर और ग्वार में 14 महीनों के लिए साल 2012 में वायदा बैन लगाया गया था। वहीं साल 2009 में चीनी पर, 2008 में सोया तेल पर, 2007 में चावल, गेहूं, तुअर और उड़द दाल पर बैन लगाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।